Assalamualaikum everyone, this is Uman from CC Laptop. So welcome back with another amazing video. So guys, जो मैं आज आपको product या laptop दिखाने जा रहा हूँ है तो थोड़ा costly, लेकिन कोई बात नहीं, आप video पूरी देख सकते हैं. और मैं अगर आप कोई अच्छा laptop लेना चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर recommend करूँगा ये laptop की video ज़रूर देखिएगा. इसकी price के मुतालिक, इसके reviews और इसके features जो है मैं इस video में बताऊँगा. तो guys, अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो please hit the subscribe button and press the bell icon ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस चैनल पर जो वीडियोस डालूंगा यूज लैपटॉप के हवाले से होंगे, जिसमें आपको फीचर, प्राइसेस और रिव्यूज के मुतालिक मैं आगाह किया करूंगा. तो गाइस, बगैर टाइम जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ. तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्राइस थोड़ी सी हाई है इस लैपटॉप की, लेकिन आप देखेंगे तो आप कहेंगे इस लिहाज से तो काफी अच्छी है लैपटॉप है जी. काफी स्लिम एंड स्मार्ट, कोर i7 8th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है. उसके बाद स्क्रीन साइज पे आ गए तो 15.6 इंच की स्क्रीन साइज है, जो कि आपको काफी खूबसूरत मिलती है. तो आगे इसके लेफ्ट साइड पे चले तो आपको इसमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है. उसके बाद यूएसबी टाइप सी जो आपको मिल जाती है, देन आपको एचडीएमआई पोर्ट, देन दो यूएसबी पोर्ट मिलती है 3.1 जनरेशन 1 की. उसके साथ आपको हेडफोन जैक और माइक्रोफोन जैक भी मिल जाता है. तो गाइस, इसकी बैक पे आ जाए, इसकी बैक पे आपको मिलता है दो हीट वेंट्स जो कि हीट सिंक का काम करते हैं, आपके लैपटॉप की हीट बाहर निकालते हैं. उसके बाद राइट साइड पे आ जाए, आपको यहाँ पे एसडी कार्ड की ऑप्शन मिलती है. उसके बाद एक यूएसबी पोर्ट की ऑप्शन जो कि 3.1 जनरेशन 1 की है. उसके बाद आपको लैन के लिए प्लेस मिल जाती है, देन आपको कैन सिस्टम लॉक मिल जाता है. और उसकी फ्रंट पे आ जाए तो आपको एक एलईडी स्टेटस लाइट मिल जाती है, जो कि आपको बैटरी का स्टेटस शो करती है. दोस्तों, आपको इस लैपटॉप में टोटल 3 यूएसबी पोर्ट 3.1 जनरेशन 1 वाली मिलती है. उसके बाद आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है, उसके बाद एक एचडीएमआई पोर्ट, और उसके बाद लैन और कैन सिस्टम लॉक के अलावा आपको जो मिलती है चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है. आगे इसके डिस्प्ले की बात करने से पहले आपको इसका प्रोसेसर मैं बताता चलूं. कोर i7 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, डेल की इंस्पायरॉन सीरीज है, जिसमें आपको मॉडल नंबर डेल इंस्पायरॉन 15 7570 मिलता है. तो दोस्तों, अब इस लैपटॉप में जो जो स्पेसिफिकेशन है, जो हार्ड ड्राइव है, जो रैम है, और जो इसमें आपको बेस प्रोसेसर मिलता है, उसके बाद इसकी कैशिंग मेमोरी, उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, और इसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो भी मैं शो करवाऊंगा. बगैर टाइम जाया किए चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ. तो जैसा कि दोस्तों, मैं आपको दिखा चुका हूँ बाहर से, मैं सारा लैपटॉप आपको दिखा सकूँ, अब बारी थी अंदर से दिखाने की. तो गाइस, सबसे पहले मैं इसके आ गया हूँ प्रोसेसर पे और इसके मॉडल नंबर पे. अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इंस्पायरॉन 7570 इसका मॉडल है. बायोस स्टेट आप देख सकते हैं इसमें, और कोर i7 8th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है. 1.8 गीगाहर्ट्ज़ एंड 2.0 गीगाहर्ट्ज़ इसका बेस प्रोसेसर. उसके बाद रैम पे आ जाएं तो 8GB रैम है, जो कि DDR4 वाली रैम इसमें लगी हुई है. आज आप डेट विद फ्री वर्जन बच के 25 मिनट हुए हैं, लेकिन ये एक घंटा बचे, तो 16 डेट है आज जब मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ. ये सारी इंफॉर्मेशन इस पे आ रही. आगे चले जी, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. तो आप इसके देख सकते हैं अप्रोक्स टोटल मेमोरी इंटेल की, ठीक है जी. इंटेल का ग्राफिक कार्ड इसमें कितना है, 4GB का ऑलमोस्ट. डिस्प्ले मेमोरी दिस एंड शेयर मेमोरी दिस. आगे नीचे आए तो इसकी रेजोल्यूशन की तरफ हम आते हैं. करंट डिस्प्ले मोड इज 1920x1080p 60 गीगाहर्ट्ज़. अच्छा जी, इसकी रेजोल्यूशन जो है जी 1080p
रेजोल्यूशन है, और सबसे मजे की बात जो इसमें है ये टच एंड टाइप है। सबसे मजे की बात इसमें यह है। तो गाइस ऐसी चीज इस प्राइस में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। आगे चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आए तो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है, चिप टाइप देख सकते हैं जी, GeForce 940MX। टोटल मेमोरी मतलब कि टोटल ग्राफिक कार्ड इसका कितना है जी, 8GB ऑलमोस्ट। डिस्प्ले मेमोरी 4GB, शेयर्ड मेमोरी आपको तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4GB मुहैया कर रहा है जी NVIDIA। उसके बाद इस पे साउंड पे आ जाए, जो इसके स्पीकर हेडफोन रिलेटेड ऑडियो है इसका नंबर आप देख सकते हैं इनपुट। और उसके बाद इस पे हम आ जाते हैं जी इसकी कैशे मेमोरी। अगर आप देख सकें तो इसकी टोटल कैशे मेमोरी है जी 8MB। आमतौर पर जो लैपटॉप होते हैं उनके 6MB 4MB कैशे मेमोरी होती है, लेकिन इसकी आप देख सकते हैं 8MB कैशे मेमोरी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो इसका कीबोर्ड जो है वो आपको मिलता है विदाउट नम पैड। आमतौर पर होता यह है कि अगर आप 15.6 इंच स्क्रीन साइज फॉर नॉन कमर्शियल यूज नम पैड मिलता है, लेकिन इस लैपटॉप में ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें एक और उसके बाद इसके इसमें सीडी रोम नहीं है। उसके बाद एडवांटेजेस इसके काफी में टच एंड टाइप रेजोल्यूशन भी है। उसके बाद 1080p रेटिना डिस्प्ले है विद IPS रेटिना डिस्प्ले। उसके बाद कोर i7 8 जनरेशन है। और उसके इसके वेट की बात करें दोस्तों तो इसका वेट ऑलमोस्ट है 2 kg, 1.9 kg वेट है। आपको मैं इस पे जो वीडियो प्ले करके दिखाता हूं अभी दोस्तों, अगर देख सकते हो इस पे इस टाइम 4K वीडियो चल चुकी है, जो कि आपको काफी खूबसूरत डिस्प्ले दिखाती है बिकॉज ऑफ इट्स 1080p रेजोल्यूशन। देन इसमें जो स्पीकर लगे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बेस ऑडियो के स्पीकर लगे हुए हैं। उसके बाद इसकी थिकनेस की बात करें तो गाइस इसकी थिकनेस है जो कि 0.6 आवर 15.51 मिलीमीटर थिकनेस है। इसकी एडवांटेजेस तो काफी मिलते हैं। चलें लेट्स शोरो जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बनता है 1,97,000 समथिंग, और अगर आप इसको यूज में लेने जाए तो आपको 80,000 to 90,000 मार्केट से इजीली मिल जाएगा और अच्छी ही कंडीशन में होगा। अच्छा जी इसमें करें तो 8GB DDR4 RAM मिलती है। उसके बाद आपको 256M2 SSD कार्ड मिलता है जो कि स्पीडी होता है। तो गाइस ये था इसका पूरा रिव्यू, इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने आपको Dell Inspiron 7570 मॉडल के लैपटॉप के मुताबिक, उसके फीचर के मुताबिक, उसके प्राइस के मुताबिक, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक और उसके रिव्यू से आगाह किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये था आपका अपना दोस्त कुमार, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।